तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी दोस्तों। गाइस, आज की वीडियो में आपको जो केमिस्ट्री के हमारे एपरेटस होते हैं, आज उनके बारे में बताने वाला हूँ। और आपको मैं आज ये सब बताऊंगा कि आपको कहाँ से बाई करना है बहुत ही कम मिनिमम प्राइस में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज मैं आपको क्या क्या दिखाने वाला हूँ। और जो भी हमारे मतलब लेबोरेटरी में जो हमारे यूज करने वाले एपरेटस होते हैं, वो आपको सब यहाँ पर अवेलेबल होंगे। मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, कुछ मेरे पास अभी जो है मैंने कम रख रखे हैं, बकाए जो भी है वो रखे हुए हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले स्टार्ट करता हूँ, ठीक है। तो गाइस, मेरे पास ये जो है टेस्ट ट्यूब स्टैंड, जैसे कि आप भी जानते होंगे, देखिएगा एक बहुत ही ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी में है, ठीक है। उसके बाद और ये है, देखो ये टेस्ट ट्यूब होल्डर है, ठीक है। जैसा कि आपको पता होगा, आपने सब ये यूज कर रखे होंगे, ये देखिएगा। उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, इसके अंदर ये हमारे पास बॉक्स है, ठीक है। इसमें जो है इसके अंदर टेस्ट ट्यूब है, ये देखिएगा गाइस। ये देखिए गाइस, ये जो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छी मतलब क्वालिटी में जो हमारा ग्लास होता है उसके बने हुए हैं ये बहुत ही ज़्यादा। उसके बाद आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। तो जैसे कि हमारे पास ये है जो हमारे लैब में यूज करे जाते हैं, ये हमारे क्या है, इसे बोलते हैं स्पैचुला। ये देखिए गाइस, ये बहुत ही अच्छी एक अच्छी क्वालिटी में सारा जो है मटेरियल मेरे पास अवेलेबल है। और उसके बाद ये है, देखिए ये है 100 ml का मेजरिंग सिलेंडर, ठीक है गाइस, ये देखिएगा। उसके बाद आइए मैं आपको दिखाता हूँ, और ये जो है सेफ्टी ग्लास, जैसे गाइस देखिएगा, ये जो एक अच्छी क्वालिटी में है, यहाँ पर आपको दिखा दूँ मैं इसे जो है इस तरह से यूज करके, इसे जो है इस तरह से यूज करते हैं हम जब भी हम कभी भी प्रैक्टिकल करते हैं, जिससे हमें किसी भी तरह का कोई भी मतलब खतरा रहता है, उसके लिए इसे जो है यूज किया जाता है। आइए आपको मैं और दिखाता हूँ। तो गाइस अब आते हैं हम, अब मैं आपको दिखाता हूँ गाइस बीकर, ठीक है। तो सबसे पहले आप ये देखिए, ये जो है प्लास्टिक के मतलब ये प्लास्टिक में अवेलेबल है ये बीकर, ये जो है ये देखिएगा, एक अच्छी क्वालिटी में है, जो मतलब कभी भी डैमेज नहीं होने वाले हैं, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा जो है, आप किसी भी तरह से इसमें एक्सपेरिमेंट जो है कर सकते हैं। और इसके अंदर ये जो है गाइस, ये जो है हमारे पास 10 ml का जो हमारा जो मेजरिंग सिलेंडर है, ये वाला, ये इसका जो है ये वाला साइज है इसका, ठीक है। इसके अंदर वो पैक हो रखा है, मैंने जो है अभी यहाँ पर एक निकाला है, और काफ़ी रखे हुए बॉक्स के अंदर। तो चलिए मैं आपको और भी दिखाता हूँ। और तो गाइस अगर इसके अंदर दिखाऊँ मैं, तो गाइस इसके अंदर है हमारा कॉनिकल फ्लास्क, ये देखिए गाइस, ये हमारे पास 100 ml का कॉनिकल फ्लास्क, ठीक है। ऐसे हमारे पास जितने भी तरह के होते हैं सारे हमारे पास अवेलेबल हैं। तो चलिए अब उसके बाद मैं आपको कुछ और दिखाता हूँ। तो गाइस ये हमारे पास फनल, ठीक है, कहीं कहीं पर इसे कीप भी बोला जाता है, लेकिन जो है रियल जो है इसका नाम जैसे फनल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए मैं आपको और दिखाता हूँ। ये गाइस इसके अंदर जो है हमारा बीकर है, ये गाइस 50 ml में हमारा बीकर है गाइस, गिलास में देख सकते हैं। अब बात करते हैं इसकी, तो गाइस इसके अंदर जो है, और ये बीकर था हमारे पास, ये जो है गाइस 250 ml का बीकर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसमें इसके द्वारा आप किसी तरह कोई भी मतलब एक्सपेरिमेंट वगैरह करना चाहते हैं तो इजीली कर सकते हैं, ये कोई डैमेज होने वाला नहीं है, बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छी क्वालिटी में हमारे पास अवेलेबल है। तो गाइस मैं जब भी कभी भी मतलब अपने लिए या वीडियो के लिए एक्सपेरिमेंट करता हूँ, तो मैं यही सारे एपरेटस जो है यूज़ करता हूँ, तो इसलिए मुझे पता है कि क्वालिटी कितनी बेटर है, ठीक है। क्योंकि प्राइस से ज़्यादा मैटर करता है, तो मतलब है प्रोडक्ट जो है उसकी क्वालिटी क्या है, ठीक है। क्योंकि क्वालिटी जो होती है वो एक बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास क्योंकि किसी तरह का कोई भी हम रिस्क लेना नहीं चाहते हैं जब भी हम रिएक्शन वगैरह करें। और आप भी थोड़ा जब भी रिएक्शन वगैरह किया करें, थोड़ा अपने जो है ग्लिप्स वगैरह पहन के इस तरह से, और मतलब जितने भी हमारी सेफ्टी होती है वो सारा यूज करना है आपको, ठीक है। जब भी आपको कभी प्रैक्टिस करना, क्योंकि हमारी जो आईज़ है ना, ये हमारे लिए बहुत कीमती है, अगर इनमें किसी तरह कोई भी केमिकल चला गया तो हमारी आईज़ जो परमानेंटली डैमेज हो जाएंगी, उससे हमें फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो ये आपको दिखा दूँ, ये जो है इस तरह के मेरे पास ग्लिप्स भी हैं, अगर आप इन्हें बाई करना चाहते हैं तो ये भी आपको अवेलेबल रहेंगे यहाँ पर। और गाइस ये जो है प्लास्टिक में बीकर है मेरे पास, मैं दिखाऊँगा आपको, क्योंकि कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जिनके अंदर हम प्लास्टिक के जो मतलब हमारे जो एपरेटर होते हैं उनका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए ये मेरे पास 250 ml में है,
और मैंने आपको अभी एक और दिखाया था, ये वाला, ये कांच में है, ठीक है। ये जो है हमारा गिलास में है और ये हमारा प्लास्टिक में है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हमारा जो है छोटा वाला है, ये करीब 50 ml में है ये वाला बीकर। उसके बाद एक बीकर ये है, ये वाला हमारा 100 ml में। तो गाइस ये जो है मैंने आपको एपरेटस दिखा दिए हैं, ठीक है। ये जो है मैंने थोड़े से लिए थे दिखाने के लिए आपके लिए, क्योंकि मेरे पास कमेंट वगैरह आ रहे थे कि सर एपरेटस कहाँ से खरीदें और एपरेटस की क्वालिटी जो है बहुत ही बेटर होनी चाहिए, हम कहाँ से लें। तो मैं आपको वही बता रहा हूँ गाइस। तो गाइस ये सामान जो है मैंने थोड़ा मतलब ज़्यादा क्वान्टिटी मंगा लिया है, आप अगर इन्हें बाई करना चाहते हैं तो उससे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपको बहुत ही ज़्यादा कम मिनिमम प्राइस में आपको मैं अवेलेबल करा दूँगा, ठीक है गाइस। और अगर आप किसी भी तरह का कोई भी केमिकल जो लेबोरेटरी में यूज होता है अगर आपको चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो गाइस जो मेरा कांटेक्ट नंबर है वो मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा एंड डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है। और आपको स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, ठीक है। तो वहां से आप जाकर मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी जानकारी चाहिए मुझसे किसी भी तरह की, तो वो आप मुझसे व्हाट्सएप के द्वारा पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही है, ठीक है।